हेलो एवरी वन वेलकम टू लेट स्टडी अवर टुडेज टॉपिक इज पास डेफिनेट टेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टेंस इन माई प्रीवियस वीडियो बट टुडे वी विल डिस्कस यूज टू एंड वुड सो मैंने ये छोड़ दिया था टॉपिक वहाँ पर आई यूज़ टू यूज टू को और वुड को कैसे क्योंकि फिर इट क्रिएट लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन की यूज़ टू भी है डेड भी है सो आई लव दिस नोइंग और uh, आज हम इसे डिस्कस करेंगे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक एंड इट इज़ अ टाइनी टॉपिक स्मॉल एंड इजी टॉपिक नथिंग नो बिग डील इज हेयर ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद लेट्स स्टडी एंड वी विल टुडे वी विल डिस्कस यूज टू एंड वुड फाइन सो आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस हेयर एंड सम इंफॉर्मेशन ऑल्सो यू कैन चेक हेयर सो वी स्टार्ट पास्ट इनडेफिनेट टेंस में हम अपनी जो पास्ट की हैबिट्स होती हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं हमारी पास्ट की हैबिट्स होती हैं बहुत सारी जब हम स्कूल में होते हैं तो हम ये किया करते थे जब हम छोटे थे तो हम ऐसे किया करते थे मींस टू से कि हमारी जो हैबिट होती हैं पास्ट में हुई हुई पास्ट में बीती हुई जो हैबिट्स होती हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम कैसे कैसे हम उनको लिखते हैं सो so, उस चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करने से पहले मैं बताऊँगी कि ये जो मैंने लिखा है यूज़ टू एंड वुड बोथ द थिंग्स वी विल डिस्कस है। पास्ट टेंस में जो हैबिट होती है उसको उसके लिए हम यूज टू को यूज़ करेंगे है ना पास्ट में आपकी जो भी हैबिट, जैसे हम अपने दादाजी के साथ घूमने जाया करते थे या हम बचपन में ऐसे खेला करते थे या हम बचपन में वो किया करते थे या अभी कुछ टाइम पहले भी मीन्स कोई भी हैबिट हम ऐसे किया करते थे तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो भी हैं हैबिट्स से रिलेटेड जो भी कुछ होगा यू विल राइट इन दैट वे इन दिस वे कैसे जैसे राम प्रतिदिन घूमने जाया करता था ठीक है अब राम प्रतिदिन घूमने जाया करता था तो जो उसकी हैबिट है वो ये है कि घूमने जाया करता था घूमने तो राम यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी डे अब हमारा जो स्ट्रक्चर और हमारी जो भी फॉर्मूला था पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का दैट विल रिमेन सेम देर विल बी नो चेंज एट ऑल हेयर कोई चेंज नहीं है और हेल्पिंग वर्ब में उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी डेड है केवल एक हेल्पिंग वर्ब है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में उसको भी हम यहाँ यूज़ करेंगे बट क्योंकि हमें हैबिट को शो करना है सो वी आर गोइंग टू यूज यूज टू राइट तो राम घूमने जाया करता था बस आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड के रिप्लेस में आपको यूज़ टू को लिख देना है सिंपल ए सिंपल एज दैट कि हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब जो डिड है उसकी जगह पर हम यूज़ टू को लिख देते हैं और सेंटेंस हमारा बन जाता है सिंपल तो कैसे राम प्रतिदिन घूमने जाया करता था तो राम यूज़ टू गो फॉर ए वॉक एवरी डे बस ये हमने लिख दिया सेंटेंस डन नेक्स्ट हम प्रतिदिन तैरने जाया करते थे वी यूज़ टू गो फॉर स्विमिंग एवरी डे तो सेंटेंस का फॉर्मूला तो सेम ही है सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब है ना जो हमने अपने फार्मूलाज लिखे थे सब्जेक्ट उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है फिर वर्ब आती है फिर नॉट आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है दैट विल रिमेन सेम वहाँ कोई चेंज नहीं है तो वी यूज टू गो फॉर स्विमिंग एवरी डे राइट अब क्या तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहनते थे या पहना करते थे स्कूल टाइम में तो अब ये जो क्या आया है आई विल आई एम रिपीटिंग हेयर अगेन अगेन एंड अगेन इन माई ऑल द वीडियोज़ कि आपको क्लियर रहे क्या इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब वो कब जब आपका क्या स्टार्टिंग में होगा आपको क्या जब यहाँ लिखा हुआ मिलेगा क्या तो उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी यू विल राइट दैट हेल्पिंग वर्ब हेयर आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब उस टेंस में होती है सपोज इज़ एम आर है तो यू विल राइट इज एम आर सपोज वॉज वर है तो यू विल राइट वॉज वर यहाँ पर हमारी डेड है तो वी विल राइट डेड तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की वो हेल्पिंग वर्ब क्या की जगह यूज़ होती है बट क्या जब स्टार्टिंग में लिखा होता है क्या तुम लेकिन इनकेस ही क्या जंप करके इधर आता है कि तुम क्या खाते हो तो फिर हम उसके जगह पर वॉट मीन्स क्या ही लिखेंगे वॉट मीन्स क्या यहाँ पर क्या का मीन्स क्या है हेल्पिंग वर्ब लेकिन जब हमारा क्या जंप करके बीच में आता है या क्वेश्चन बीच में हो पूछा जाता है तो फिर हम उसके लिए क्या लिखेंगे वॉट मीन्स क्या ही लिखेंगे राइट right? चलिए तो क्या तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहनते थे या पहना करते थे तो हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड डिड यू यूज टू वी आर आर स्कूल यूनिफॉर्म तो क्या आप स्कूल यूनिफॉर्म पहना करते थे ऐसे तो इसमें क्या है डिड यू यूज़ टू वीयर अ स्कूल यूनिफॉर्म क्योंकि ये डिड हमने लगा दिया और डिड लगा है तो यूज टू नहीं किया है हमने यूज़ लिखा है यूज़ ऑलरेडी वो पास्ट टेंस है आई यूज अब इसका रिप्लाई क्या आ गया ये इंटरोगेटिव फॉर्म में मैंने लिखा ये अफॉर्मेटिव फॉर्म में और ये नेगेटिव फॉर्म में नेगेटिव यानी नकारात्मक पॉजिटिव फॉर्म यानी सकारात्मक फॉर्म में आई यूज़ टू वीयर अ स्कूल यूनिफॉर्म मैं एक स्कूल यूनिफॉर्म पहना करता था तो यहाँ डिड नहीं लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर देखो डिड नहीं है तो फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे यूज्ड ही लिख देंगे यू एस ई डी यूज टू वी आर ही हम लिखेंगे लेकिन अगर डेड आ जाता है जैसे नेगेटिव में डिड आ गया आई डिड नॉट देन वी विल ऑल्सो राइट वी विल राइट यूज तो हमें यूज ही यहाँ पर लिखना होगा आई डिड नॉट यूज टू वी आर आ स्कूल यूनिफॉर्म राइट नेक्स्ट एक और है कुत्ते भौंका करते हैं तो कुत्ते भौंका करते हैं उनकी हैबिट है अभी भी भौंक रहे हैं भौंकते हैं और पास में भी तो एक भौंका करते हैं और भौंका किया करते थे है ना जब हम पास्ट में अपनी सोचें जब हम स्कूल जाते थे तो कुत्ते भौंका करते थे ला मतलब गलियों में इस तरह से ऐसे तो हम उसकी जगह यूज़ टू को अप्लाई करेंगे तो कुत्ते भोका करते हैं डॉग यूज़ टू बार्क और डॉग यूज़ टू बार्क यूज़ड टू और यूज़ हम लिख सकते हैं लेकिन कुत्ते भौका करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डॉग्स यूज टू बार्क ठीक है मैंने यहाँ पर ये लिखा था जिससे कि पता चले कि यूज टू ही लिखना है नहीं यूज टू नहीं लिखना है क्योंकि वो प्रेजेंट में कह रहे करते हैं प्रेजेंट टेंस की बात चल है करते हैं, करते हैं। तो डॉग यूज़ टू बार्क इट इज ऑल्सो राइट बट ये अगर पास्ट में जाता है तो पास्ट के लिए ये प्रेजेंट के लिए ऐसे राइट ओके तो फिर एक अनदर एग्जाम्पल शाम प्रतिदिन नहाया करता था शाम यूज टू टेक बाथ एवरी डे शाम फिर वही हमने यूज को अप्लाई कर दिया ठीक है शाम यूज टू टेक बाथ एवरी डे नाउ वी कम टू वुड अब वुड है इक्वल किसके यूज़ टू के वुड को यूज टू के आप इक्वल मान के वुड की यूज़ टू की जगह पर आप वुड को लिख सकते हो ठीक है बट देर इज़ वन कंडीशन ऑल्सो कंडीशन क्या है वो भी बताते हैं फर्स्ट इसे देखें आई यूज़ टू गो फॉर स्विमिंग ट्वाइस ए डे दिन में दो बार में स्विमिंग करने जाया करता था आई वुड गो फॉर स्विमिंग ट्वाइस ए डे इट इज़ ऑल्सो राइट बोथ द सेंटेंसेज आर राइट बट कंडीशन क्या है अगर आपके पास यहाँ समय नहीं होगा ट्वाइस अ डे नहीं होगा हम इस ट्वाइस अ डे को हटाते हैं ऐसे तो फिर ये सेंटेंस हम यहाँ पर वुड नहीं लिख सकते हैं फिर हम लिखेंगे आई यूज़ टू गो फॉर ए आई यूज़ टू गो फॉर स्विमिंग ठीक है ट्वाइस अ डे अगर ट्वाइस अ डे यानी कि टाइम हमको नहीं दिया गया है तो फिर हम वुड को नहीं लिखेंगे फिर हम वुड को यहाँ पर, पर नहीं लिखेंगे हम क्या करते हैं फिर आई यूज़ टू गो फॉर वॉक स्विमिंग क्योंकि वुड को लिखने के लिए यू नीड टाइम आपको टाइम की ज़रूरत है सपोज यहाँ पर है इन द मॉर्निंग है न इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग ऐसे तो यहाँ पर टाइम जब होगा तभी हम वुड को अप्लाई करेंगे अब जैसे एग्जाम्पल है आई यूज़ टू प्ले पियानो में पियानो खेला करता था ठीक है टाइम नहीं है आई यूज़ टू प्ले पियानो इन द मॉर्निंग नहीं है तो ठीक है चलता है लेकिन आई वुड प्ले पियानो नहीं इसको टाइम की जरूरत है आई वुड प्ले पियानो इन द मॉर्निंग अगर ये ऐसे है तो हम इसको लिखेंगे वुड को अब एक और एग्जाम्पल आई यूज़ टू गो फॉर अ वॉक ये ठीक है सिंपल आप बोल सकते हैं आई यूज़ टू गो फॉर अ वॉक लेकिन आई वुड गो फॉर अ वॉक आप नहीं कह सकते इसको चाहिए टाइम इट यहाँ पर हमको कोई टाइम गिवन होना चाहिए कैसा इन द मॉर्निंग ट्वाइस अ डे वंस अ वीक वट एवर तो आई वुड गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग या आई वुड गो फॉर अ वंस इन ए वीक हफ़्ते में एक बार जैसे जाते थे तो हफ्ते में एक बार हम घूमने जाया करते थे तब हम वुड को यूज़ करेंगे जब हमें बोला जाएगा कि आप हफ्ते में एक बार घूमने जाया करते थे तो फिर हम वुड लिख सकते हैं लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में एक बार जाया करते थे तो आप नहीं लिखेंगे मतलब यहाँ पर इन द मॉर्निंग होना जरूरी है तभी हम वुड को लिखेंगे नहीं तो वुड को हम नहीं लिख सकते अब जैसे आई वुड गो फॉर अ वॉक सॉरी आई वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक तो मॉर्निंग मौर्न, वॉक पर जब हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर हम जब जाते हैं तो अब हम इसको लिख सकते हैं मॉर्निंग वॉक जब हम ये हमको टाइम मिल गया ना कि किस वक्त जाते थे तो हमने फिर यहाँ पर वुड को लिखा है तब हम उसे देख सकते हैं दिस इज द रूल तो वुड के साथ टाइम गिवन होना ज़रूरी है और टाइम गिवन कैसा मॉर्निंग इवनिंग वन से वीक ट्वाइस ए वीक है ना तो इस, इस तरह से ये होना ज़रूरी है राइट तो वुड के लिए टाइम होना जरूरी है यूज़ टू को आप ऐसे ही लिख सकते हो बट इट तो विल बी यूज इन पास्ट टेंस फॉर द हैबिट हैबिट के लिए हम अपने यूज़ टू को यूज़ करते हैं Okay, so that's all for today. Thank you, bye bye, and take care. Have a nice day, and thanks for watching my videos and appreciating me. Thank you for that. So, please, if you like my videos, please like, share, and subscribe. And please keep watching my videos. Thank you, you will get different things, and I will try to make you feel. Satisfy with my videos. Okay, thank you. Thank you. Bye bye, and take care.